गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ इंशाल्लाह। आज आप लोगों के साथ मेरा डे शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना और मेरे साथ बने रहना, मुझे सपोर्ट करो। एंड देखो, एक दूसरे की चीज़ देखने में अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरा हस्बैंड का टिफ़िन मैंने रेडी कर लिया और साथ साथ खाना भी बन चुका है, क्योंकि मुझे निकलना है थोड़ा बाहर। ये मिक्स पेस सब्ज़ी, आजकल की जो नए नए गाजर निकले हुए, पत्ता गोभी निकले हुए, क्योंकि ये हमारी शिलोंग से वो मिलते हैं और साल पूरा साल ही मिलते हैं, मगर नया नया उगाना तो अब तक सीज़न नहीं आया। फिर भी खाने में बड़ा अच्छा लगता है और इजी भी है। तो चलो, घर की ड्यूटी ख़त्म करके मैं निकली हस्बैंड के साथ। थोड़ा बैंक में काम है, पर्सनल काम है हमारा, तो जाके मुझे चाहिए था साथ में। तो बैंक के काम ख़त्म करके हम थोड़ा निकले। मेरे कुछ ड्रेसेस है, उसको दर्जी से सिलवाना है। बैंक के काम ख़त्म करके मैं आ गई मेरी पुरानी बहुत पुरानी टेलर के पास। आजकल तो सिलाई ज़्यादा चलती नहीं है, देखिए इसके साथ क्या समझा दे रही हूँ उसको। ডাইনিং দিব লাগবে, ডাইনিং দিলে কি হয় আকো ফিট নহয় তখন অলপ খুশি খুশ খুশ কর এনেই তো গরমর দিনত আর হয়ে যায় গরম লাগে মোর হাতটো কিমান দিয়ে দিব দিন গুজর গয়া। শাম কি চায় ভাই হাম পি লিয়ে তো एज यूजल आप लोगों को तो पता है मुझे लाइटिंग कितना पसंद है। मेरे हस्बैंड को ना किसी चीज़ पे शांति नहीं है उसको। पूरा ये देखिए, पूरा एक कपबोर्ड है उसके रूम में, फिर भी नहीं हो रहा है। वो ये बुक रखने के लिए वो मंगाया, वो तो ठीक है। मैंने बोला कि थोड़ा सा डेकोरेटिंग आइटिंग भी उधर उधर इधर उधर रखे ना, उसको मानता ही नहीं। ज़बरदस्ती करके मैं ये रखा, मेरे लाइट अच्छा लग रहा है। ये अभी तो खाली है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें रखी हूँ। और ये फूलदानी से उसकी दिक्कत हो रही है, क्यों मैं यहाँ रखी हूँ, मतलब उनको खाली जगह पूरा भरपूर जगह चाहिए। ये उनका कुछ किताबें, हमारी रिलीजियस रिलेटेड कुछ किताबें, और ये बाकी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा ये। अरे इसका मेडिसिन की डब्बा अच्छे तो है, थोड़ा डेकोरेटिंग छोटा छोटा कुछ शो पीस रखो ताकि रूम का थोड़ा लुक अच्छा है। नहीं, उनको ये पसंद नहीं है। साथ में मेरा ड्रेसिंग आईना है और इसमें उनका पानी का बोतल रहता है, और ये पानी की लेना पड़ेगा। कैसे हो आप लोग? एक्चुअली अच्छा लग रहा है, और थोड़ा लाइटिंग सेटिंग या फिर डेकोरेटिंग चीज़ें थोड़ा थोड़ा रख दूँ तो और भी अच्छा लगेगा। पता नहीं वो उनको मनाऊँ कैसे। एक्चुअली मैं बोला था खुला या फिर वॉल में फिटिंग करने के लिए, मगर अब लग रहा है ये मूव कर सकते हो उसको ना। तो उनको और सारी बुक्स है उधर है, उस कपबोर्ड में है, तो ज़्यादातर वो बड़ा है, ये निकलते नहीं। ये रोज़ रोज़ निकल के पढ़ने के लिए ये सही है, सामने रहो तो ऐसे ऐसे निकल के पढ़ सकते हो ना। वो काफ़ी सारी चीज़ें ओके। और ये एक चीज़ रखी है मेरी, ये मेरी शादी की
एल्बम है, कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग इंतज़ार करते रहना कब मैं ये मेरी शादी की एल्बम आप लोगों के साथ वो करूँ, शेयर करूँ। किन किन को मेरी शादी की एल्बम देखना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और ये एन एन अल्फ़ाबेट किसकी नाम है, किसकी नाम से मंगाया गया? ये एन भी होता है और एक तरह की जेड भी होता है, ये दोनों काम में हमारा आ जाता है, तो है ना सुंदर। और ये रात में एक पैकेट बिरयानी मंगाई मतलब कि उन्होंने ले आया, उनको पता है बच्ची को पसंद है तो मना नहीं रही हूँ, तो उसने फ्रेंडों के साथ खाया तो आते वक्त हमारे लिए ले आया, बहुत टेस्टी था, मगर मेरे जैसे नहीं थे।